Hello students, my name is Rajvinder Kaur and I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, that are to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a distance of 6 feet from others, to wash my hand frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. So, 8th class students, in our previous AVs, we read the first chapter, that is operating systems. ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था. हमने लेट्स रिव्यू पेज नंबर 9 के भी किए हैं. बुक वर्क भी हमारा ऑलमोस्ट डन है. टिक द करेक्ट आंसर्स आर आल्सो डन. फिलअप्स आर आल्सो डन. ट्रू फॉल्स आर आल्सो डन. आई एम गोइंग टू मेक एन एवी ऑन द क्वेश्चन आंसर दैट यू गेट विद योर रिटन असाइनमेंट. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन. But firstly, write down these questions on your field notebook, okay? So the first question is, what is the need of an operating system? कि हमें operating system की ज़रूरत क्यों है? Operating system, जैसे मैंने आपको AVs में पहले बताया हुआ है कि सबसे वो पहला प्रोग्राम है जो लोड होता है इनटू कंप्यूटर मेमोरी और जिसकी वजह से हम बाकी के प्रोग्राम्स को रन करते हैं, ओके? सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर सिस्टम. ये एक इंटरफेस है यूज़र और कंप्यूटर सिस्टम के बीच का, ठीक है? इंटरफेस क्या होता है? एक इंटरमीडिएट पर्सन होता है. जैसे दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, उसके बीच में कोई तीसरा फ्रेंड है जो उनकी बातचीत करा रहा है किसी तरह से. फॉर एग्जाम्पल, दोस्त जो फ्रेंड्स हैं उनकी लड़ाई हो गई किसी चीज़ को लेके, तो तीसरा पर्सन उसको सॉल्व करवा रहा है, तो वो इंटरमीडिएटर हो गया एक, ठीक है, मीडिएटर हो गया. तो वैसे ही यूज़र और कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफेस होता है, डैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो यूज़र को अलाउ करता है कि कंप्यूटर को रन करे. इट रिसीव ऑल द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड अकॉर्डिंगली पासेस द कंट्रोल टू द हार्डवेयर डिवाइसेस. ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से इंस्ट्रक्शंस लेता है, कमांड्स लेता है और उसको हार्डवेयर तक पहुँचाता है. सपोज एक वर्ड डॉक्यूमेंट की कमांड आई प्रिंटिंग की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उससे कमांड लेगा और उसको दिखेगा कि भाई प्रिंटिंग की कमांड है और हार्डवेयर के पास भेज देगा. किसके पास? प्रिंटर के पास. ओके, सो सेकंड क्वेश्चन इज, गिवन इन थ्री फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम. सो फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एन ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन. फर्स्ट इज मेमोरी मैनेजमेंट. एन ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म द फॉलोइंग रोल इन मेमोरी मैनेजमेंट. कौन कौन से रोल हैं? इट एलोकेट्स द मेमोरी स्पेस टू अ टास्क. इट डीएलोकेट्स द मेमोरी स्पेस आफ्टर द टास्क हैज बीन कंप्लीटेड. फर्स्टली, जब कंप्यूटर ने कोई काम करना होता है, हमने उसको कोई काम असाइन किया, सपोज हमने पेंट ओपन करना है, तो वो मेमोरी हमें देगा पेंट ओपन करने के लिए. ओके, जब हमने पेंट ओपन करके अपनी पिक्चर ड्रॉ कर ली, उसको सेव कर लिया, हमने उसको क्लोज किया, तो वो क्या करेगा? मेमोरी को डी एलोकेट कर देगा, फिर से वापस ले लेता है उसको. ये काम मेमोरी मैनेजमेंट का कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. देन सेकेंड इज रिसोर्स मैनेजमेंट. रिसोर्स क्या होते हैं? जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हमारे पास अवेलेबल होते हैं उनको रिसोर्स बोला जाता है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करता है? इट कीप्स ट्रैक ऑफ द प्रोसेसेस दैट हैव हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स. ये उन प्रोसेसेस को ट्रैक करता है, उनका रिकॉर्ड रखता है जिनको हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है, प्रोसेसेस को क्यू में लगा के रखता है. इट असाइन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू अ प्रोसेस. और वैसे ही ये क्यू में लगा के रखता है और बाद में उनको हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर असाइन कर देता है. थर्ड इज प्रोसेस मैनेजमेंट. अ प्रोसेस इज अ टास्क इन एग्जीक्यूशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम असाइन अ टास्क गिवन बाई द यूजर टू द CPU. सो प्रोसेस क्या होती है? सिंपली प्रोसेस का मतलब होता है कि कोई काम है जो अभी चल रहा है, अ टास्क इन एग्जीक्यूशन, ठीक है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? कोई भी जो टास्क हम देते हैं कंप्यूटर को, उसको CPU को पास कर देता है एंड कंट्रोल द ऑर्डर ऑफ हिज एग्जीक्यूशन. और वो क्या करता है? उसके जो एग्जीक्यूशन का ऑर्डर है उसको कंट्रोल करता है कि पहले ये वाला जाएगा, फिर ये क्वेश्चन रीड होगा. फॉर एग्जाम्पल, हम सीक्वेंस में क्वेश्चन रीड करते हैं ना, वैसे वो एक प्रोसेसेस को एक सीक्वेंस में लगा लेता है और वन बाय वन परफॉर्म करता है. इट अलोकेट्स द रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस. सेम के वे सीक्वेंस में लगा लेता है और उसको वैसे ही परफॉर्म करता जाता है. सो एक
नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव अ टेबल शोइंग द डिफरेंस बिटवीन अ सी यू आई एंड जी यू आई. यहाँ पे सी यू आई यानी कि करेक्टर यूजर इंटरफेस और जी यू आई यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में डिफरेंस बताया गया है. मेजर डिफरेंस है इसमें कमांड्स यूज होती हैं, इसमें हम देख के काम को करते हैं. अ सी यू आई यूजेज अ कीबोर्ड टू गिव इनपुट कमांड्स टू द कंप्यूटर. कीबोर्ड यूज होता है कमांड्स देने के लिए. अ जी यू आई यूजेज अ कीबोर्ड माउस स्टाइलस और फिंगर टू गिव इनपुट और कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर. ये क्या करता है, इसमें कीबोर्ड माउस स्टाइलस जैसे मैंने प्रीवियस ए बी में बताया था कि जो मोबाइल के साथ एक पेंसिल लाइक डिवाइस आया था तो जिसके साथ आप मोबाइल पे विदाउट टचिंग योर फिंगर आप उसमें कुछ भी स्वाइप कर सकते थे, यूज कर सकते थे, उस पेंसिल को स्टाइलस बोला जाता है. अब फिंगर नाउडेज विद योर टच स्क्रीन अब फिंगर यूज़ करते हो तो ये इनपुट कमांड देने या इंस्ट्रक्शंस देने के लिए यूज होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में. सेकंड, अ यूज़र नीड्स टू टाइप ऑल द कमांड्स ऑन द कमांड प्रॉम्प्ट. एक यूज़र को क्या चाहिए था कि वो सारी कमांड्स को टाइप करे कमांड प्रॉम्प्ट पे. अ यूज़र नीड टू क्लिक ऑन द आइकन्स बटन और विंडोज और माउस ऑन द स्क्रीन टू गिव कमांड्स. इन यूजुअली हमें क्या करना पड़ता है, सिर्फ ऐसा इंटरफेस होता है हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. अगर हमने इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलना है तो क्या करेंगे, हम सिंपली जाके उस पर डबल क्लिक करेंगे एंड इट विल बी डन. लेकिन कमांड प्रॉम्प्ट में हमें क्या करना पड़ता है, कमांड्स को ओपन करना पड़ता है. जैसे कि यहाँ पे ये कमांड प्रॉम्प्ट है हमारा, हम सिंपल यही एक इंटरफेस रहेगा, इसके ऊपर सिर्फ हमें कमांड टाइप करनी है. पीछे ब्लैक स्क्रीन रहेगी, ब्लैक एरिया और उस पर वाइट टेक्स्ट, बस यही होता है. लेकिन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आइकन्स बटन्स और मेन्यूज बने होते हैं फॉर आर कन्वीनियंस. थर्ड इज अ यूजर नीड टू रिमेंबर ऑल द कमांड्स एंड देयर सिंटैक्स. कमांड्स को लिखने का भी एक तरीका होता है उसमें, सो यूजर को रिमेंबर रखनी पड़ती है, सारी कमांड्स याद रखनी पड़ती हैं. इसमें कोई कमांड नहीं होती, सिंपली यू नीड टू क्लिक ऑन द स्क्रीन ओनली. एग्जाम्पल्स क्या हैं, एम एस डॉस और जी यू आई की कौन सी हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और ओ एस. ठीक है, इसके एग्जांपल लिनक्स बैश शेल, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है. दिस इज आल्सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम, दीज आर आल्सो. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ जी यू आई ओवर सी यू आई. ये है आपके डिफरेंस क्या है, ये आपके एडवांटेज के जी यू आई को लोग ज़्यादा प्रेफर क्यों करते हैं ओवर सी यू आई. सो फर्स्ट इज अ यूजुअली इज ईजियर टू वर्क ऑन एज कम्पेयर टू अ करेक्टर यूजर इंटरफेस. इस पर काम करना आसान होता है. इट अनेबल इट्स यूजर टू व्यू कंट्रोल एंड स्विच बिटवीन डिफरेंट एप्लीकेशन एट द सेम टाइम. जैसे कि हमने एक ही टाइम पे सपोज हमने इंटरनेट चलाने के लिए क्रोम खोला हुआ है, हम अपना म्यूजिक भी सुन रहे हैं, हमने कोई वर्ड डॉक्यूमेंट भी खोला हुआ है जिसपे आप कॉपी पेस्ट का कुछ कर रहे हो, तो ये क्या करता है, हमें व्यू कंट्रोल और स्विच करने की परमिशन देता है कि हमने चाहे क्रोम खोल सकते हैं, चाहे अपना म्यूज़िक खोल के कोई म्यूज़िक चेंज कर सकते हैं, चाहे हम कोई डॉक्यूमेंट ओपन कर दें. तो ये हमें अलाउ करता है कि हमें देखें और स्विच करें उनमें. अ जी यू आई प्रोवाइड्स पॉपअप मेन्यू एंड अ होस्ट ऑफ अदर ऑप्शंस. तो जी यू आई क्या करता है, पॉपअप मेन्यूज हमें देता है. पॉपअप मेन्यू क्या होते हैं, जब भी आप कहीं पर जाके राइट क्लिक करते हो अपने माउस से तो एक बॉक्स बन के आ जाता है ना, जिसमें डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं, ओपन, कट, पेस्ट, कॉपी एटसेट्रा, तो वो होते हैं पॉपअप मेन्यूज. ठीक है, तो वो हमें मेन्यूज और ऑप्शंस हमें प्रोवाइड करता है. दिस कैन बी यूज टू कंट्रोल द एक्सेस ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर. फाइल्स एंड फोल्डर की एक्सेस को भी हमें कंट्रोल कर सकते हैं विद द पॉपअप मेन्यूज, हम उनके प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं. द यूजर डू नॉट नीड टू रिमेंबर अ होल लॉट ऑफ कमांड एज वाज नीडेड फॉर यूजिंग अ सी यू आई. तो हमें कमांड्स को रिमेंबर याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है वाइल यूजिंग द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. फोर्थ पॉइंट इज अ जी यू आई प्रोवाइड द फैसिलिटी टू सेस अ कंप्यूटर एट फार ऑफ लोकेशन. वो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है एक कंप्यूटर को फार ऑफ लोकेशन पर असेस करने की. दिस इज नॉन एज रिमोट एक्सेस. सपोज आप यहाँ पे बैठे हो, आपका पीसी लुधियाना में है, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट एंड सम सॉफ्टवेयर यू कैन असेस योर पीसी फाइल ओवर हेयर. तो इसको क्या बोलते हैं, रिमोट एक्सेस. आप यहाँ पे बैठे बैठे अपना पीसी वहाँ से यूज कर सकते हो. जी यू आई एनेबल इट्स यूजर टू कैरी आउट मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम. दे कैन ओपन डिफरेंट एप्लीकेशंस सच एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, कैलकुलेटर एंड अ वेब ब्राउजर एट द सेम टाइम. द यूजर कैन स्विच बिटवीन दैम एट विल. तो जी यू आई हमें एनेबल करता है, जैसे हमने पहले एग्जाम्पल दी थी मैंने कि आपने 2000 एप्लीकेशंस ओपन की हुई हैं
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, कैलकुलेटर और वेब ब्राउज़र, तो ये हमें एनेबल करता है कि हम उनमें स्विच करें, हमने कभी कैलकुलेटर खोल लिया, कभी वेब ब्राउज़र खोल लिया, ठीक है, स्विच करें और उनको यूज़ करें। ओके स्टूडेंट्स, सो योर फिफ्थ क्वेश्चन इज़ एक्सप्लेन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज सिंगल यूज़र मल्टी टास्क एंड देन सिंगल यूज़र सिंगल टास्क। सिंगल यूज़र मल्टी टास्क दिस टाइप इज़ द मोस्ट वाइडली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। विंडोज़ बाई माइक्रोसॉफ्ट एंड मैक ओएस बाई एप्पल आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच ऑपरेटिंग सिस्टम्स। सो विंडोज़ जो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है और मैक जो कि एप्पल का प्रोडक्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये इसकी बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। सिंगल यूज़र मल्टी टास्क दैट मीन्स एक ही यूज़र लेकिन काम कई सारे। दे अनेबल अ सिंगल यूज़र टू डू सेवरल टास्क एट द सेम टाइम, सेम कि वो एक यूज़र को अलाउ करते हैं वो कई सारे काम एक ही टाइम पे कर सके। फॉर एग्जांपल यू कैन यूज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाइल डाउनलोडिंग अ फाइल फ्रॉम द इंटरनेट एज वेल एज लिसनिंग टू योर फेवरेट सॉन्ग्स। एग्जांपल दिए कि आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया है, इंटरनेट ओपन किया है और आप अपने फेवरेट सॉन्ग सुन सकते हो। तीनों चीज़ें एक ही बार में कर रहे हो आप। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर आप कुछ ओपन किया हुआ है, आप डाउनलोड कर रहे हो इंटरनेट से एक फाइल और अपने म्यूज़िक को सुन रही हो। सेकेंड इज सिंगल यूज़र सिंगल टास्क। This type of operating system manages the computer to let one user do one task at a time. Single user, one user, single task, एक ही task, एक ही काम। तो ये allow करता है कि सिर्फ एक ही user एक ही time पे एक काम करे। The Palm operating system for Palm handheld computer is an example of this type. So Palm operating systems थे पहले by the Palm handheld computers, वो इस टाइप की एग्जांपल थी कि वो सिंगल यूज़र सिंगल ही काम कर सकता था। द पाम ओएस इज़ नॉट मच इन यूज़ दीज डेज, तो आजकल पाम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं यूज़ होते, आजकल यूज़ होते हैं सिंगल यूज़र मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ओके बच्चे, सो दिस इज योर रिटन असाइनमेंट, यू विल गेट इट विद योर ए बी। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, टेक अ फुल लुक विद ऑन योर चैप्टर विद On face-to-face interaction, I will ask you and we will discuss about the topics from this chapter, okay? Till then, take a good care of yourself. Okay, bacha?